बिग बॉस ओटीटी से शुरू हुई टीवी स्टार राकेश बापट और शमिता शेट्टी की दोस्ती का रिश्ता शो से बाहर आने के बाद भी और भी गहराता गया, जहां उनकी ये दोस्ती दोस्ती से ज्यादा बढ़कर दिखने लगी। कैमरे के सामने भी दोनों ने कई बार खुलकर अपने प्यार का इजहार भी किया। हर जगह दोनों की एक साथ प्रेजेंस ने लोगों का दिल जीता, लेकिन हाल ही में ऐसी खबरों ने सुर्खियां बटोरी कि नहीं है दोनों के बीच ऑल इज वेल। खबरें तो यहां तक आई कि शमिता और राकेश ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, जिसके बाद शमिता का आया रिएक्शन और फिर बाद में एक अवार्ड शो में दोनों हाथों में हाथ डालकर पहुंचे, जिसके बाद उनके ब्रेकअप की रूमर्स पर लग गया विराम। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जी हाँ, दरअसल टीवी स्टार राकेश बापट ने शमिता शेट्टी के साथ अपने रिश्ते पर एक न्यूज पोर्टल से खुलकर बात करते हुए की ऐसी बात कि उनके ब्रेकअप की चर्चाओं ने फिर से पकड़ लिया जोर। दरअसल एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए टीवी स्टार राकेश बापट ने कहा कि शमिता उनकी अच्छी दोस्त हैं। राकेश बापट शमिता को अपनी गर्लफ्रेंड कहने से बचते नजर आए। यही नहीं, उन्होंने इसे रिलेशनशिप का नाम भी नहीं दिया और इसके बाद से ही राकेश और शमिता के रिलेशनशिप को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। दरअसल टीवी स्टार राकेश बापट एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए अपने इंटरव्यू के दौरान कहा, आई विल टेल यू दिस, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी टू पीपल कैरी विच ईच अदर, दैट हैज टू बी वर्क ऑन एनीथिंग टू हैपन, वी आर इन ए हैप्पी जोन, सी इज ए डियर फ्रेंड, फ्रेंडशिप हैज टू बी सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग एल्स कैन अफेक्ट इट, सी इज प्योर सोल, आई वैल्यू पीपल हु आर ऑनेस्ट, वी हैव ए लॉट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इट्स इंटरेस्टिंग टू हैव लाइक माइंडेड पीपल। इसी के साथ ही जब राकेश बापट से पूछा गया कि उनका रिलेशनशिप अभी किस मोड़ पर है, तब उन्होंने कहा, आई वुड नॉट नेम इट एज रिलेशनशिप, इट्स ए बॉन्ड, वी जस्ट गिव नेम्स टू थिंग्स, इट्स लाइक टू पीपल एंजॉयिंग द स्पेस caring of each other, if you want to name it, it's name game, she is woman, I really respect. Well, राकेश बापट के इस बयान से एक बार फिर से दोनों के रिश्तों को लेकर उठने लगे हैं सवाल। Well, आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।